कोरोना वायरस के टेस्ट पर बहुत सारे शोधों के बाद फिलहाल पीसीआर टेस्ट ही मानक टेस्ट के तौर पर सामने आया है। स्मार्टफोन से ही कोरोना वायरस की मौजूदगी की पहचान करने पर बहुत से अध्ययन हुए। अब शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका विकसित करने में सफलता पाई है जिससे एक नेजल स्वैब में SARS-CoV-2 की मौजूदगी का पता ऐसे उपकरण से लग सकता है जो सामान्य मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ हो। 2 साल पहले सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट की वायरोलॉजिस्ट मेलनी ऑर्ट और डेनियल फ्रेजर के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता जेनिफर डोंडा ने घर पर ही HIV का टेस्ट करने की विधि विकसित करने पर काम शुरू किया था। अब उन्होंने अपना शोध COVID-19 के वायरस के टेस्ट पर केंद्रित कर लिया है। उन्होंने बड़े स्तर पर उपयोग होने वाली उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से जांचने का तरीका निकाल लिया है। सेल जनरल में प्रकाशित ये शोध प्रचलित PCR तकनीक से जोड़ा है। यह जांच प्रक्रिया CRI-SPR-CAS तकनीक का उपयोग करती है। इसमें नमूनों में ऐसे RNA की पहचान की जाती है जिसमें CAS-13 एंजाइम होता है। इसमें RNA को वापस DNA में बदलने की और फिर विस्तार करने की जरूरत नहीं होती। ये पूरी प्रक्रिया वर्तमान में PCR तकनीक में उपयोग लाई जाती है जो अभी मानक जांच प्रक्रिया है। जब CAS-13 वायरस के जरिए पास के किसी भी RNA सीक्वेंस से जुड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए शोधकर्ताओं ने RNA आधारित जांच के तरीके निकाले जिससे कि CAS-13 से प्रक्रिया कर एक चमक पैदा करे जो किसी कैमरे से पकड़ी जा सके। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनकी जांच सिर्फ 30 मिनट में ही अपने नतीजे दे देती है। इस अध्ययन में नेजल स्वैब SARS-CoV-2 के RNA से जोड़े गए हैं। शोधकर्ता अब इस समाधान पर काम कर रहे हैं जिसमें वायरस RNA से एक ही बार में निकल आए और उसके लिए शुद्धिकरण की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस मामले में एम्प्लीफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इस जांच में नमूने में वायरस की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। ऑट का कहना है, जांच की मात्रा निर्धारित करने वाला पक्ष रोचक है। PCR मानक टेस्ट है लेकिन इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। पैथोजन और जीव विज्ञान में सामान्य तौर पर RNA की सटीक मात्रा निर्धारण की बहुत सारी संभावना है। फोन की भूमिका। फ्लेचर की लैब में इससे पहले के शोध से फोन आधारित उपकरण बनाए गए थे जो खून और अन्य नमूनों में परजीवी को देखकर उनकी पहचान कर सकते थे। फोन को फ्लोरोसेंस डिटेक्टर के ऊपर रखा जाता है जिसमें एक लेजर होती है जिससे चमक पैदा होती है और वो ऑरोफ्लोरोसेंस को उत्तेजित करता है। इसके साथ ही एक लेंस लौटाने वाले प्रकाश को देखने के लिए अलग होता है। ऑट का कहना है कि फोन कैमरा फ्लैट रीडर से 10 गुना बेहतर है। ये एक बेहतर निदान पकड़ने वाला हो सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।